पीछे इतना बड़ा टेम्पल है, मतलब देख के लग भी नहीं रहा कि ये जो टेम्पल है ये लंदन में है। सस्रियाकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। आज है संडे वाला दिन, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल गए और अभी हम लोग कैब में हैं। सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं स्वामी नारायण टेम्पल और ये यूके का सबसे बड़ा टेम्पल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे को कब से जाना था बट मुझे लगा अभी साल खत्म होने वाला है तो उससे पहले चले जाती हूँ। आई एम होपफुल कि वो जो पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ से मिले या फिर वो जो माहौल आप देखो तो आपको अच्छा लगे। हम लोग घर से निकल चुके हैं, हमारे साथ प्रशांत भी है। प्रशांत हाउ आर यू डूइंग? और आई गेस हम लोग कितने टेम्पल जा चुके हैं टोटली? चार पांच तो जा ही चुके हैं यहाँ पे। एक हम लोग हरे कृष्ण टेम्पल गए थे, मैं गई थी अकेले, सोहो वाला। एक हम विजय सौरभ के साथ गए थे, जिसमें गाय थी। एक हम मंदिर वेम्बली वाले मंदिर गए थे। तो हमारा ये चौथा टेम्पल है यहाँ पे। एंड अभी संडे वाले दिन मतलब आई थिंक ट्रैफिक नहीं, तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट, तो हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये जो टेम्पल है स्पेसिफिकली कौन से नेस्टन में, तो हमारे घर से ऑलमोस्ट एक घंटा पड़ता है अगर आप यू नो ट्रेन से जाओगे, और अगर आप कैब से जाओगे तो 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे। सो दैट इज गुड पार्ट। एंड बड़ा है छोटा है बट दैट इज द मेन एंट्रेंस। ठीक है चलो चलते हैं। चुके हैं, चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद अगर आपके पास सामान होता है जो उन्हें नहीं ठीक लगता वो वापस रख लेते हैं। सेल्फिस्टिक रख ली। और इधर गार्डन है और पीछे इतना बड़ा टेम्पल है, मतलब देख के लग भी नहीं रहा कि ये जो टेम्पल है ये लंदन में है। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें सिर्फ 25 मिनट लगे आने में और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। जब मुझे इंडिया की याद आती है ना, मुझे ना ऐसी जगह जाके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मी जो यहाँ भी रहना चाहता है, जो वहाँ भी रहना चाहता है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम। और बहुत सुंदर कार्विंग है और फिनोमिनल तो है ही, मतलब यहाँ पे आके अच्छी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। टेम्पल की जो मेन एंट्रेंस है वो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हवेली। रियल? मतलब हाँ, उन्होंने मैंने वेबसाइट पे चेक किया था, ये मंदिर है, ये हवेली है। हवेली के थ्रू वहाँ घुसना, मंदिर जाना। ठीक है तो अभी हम लोग इसके अंदर से जाएंगे और यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज की प्रतिमा है और यहाँ पे ये दो हाथी हैं। जो एंट्रेंस है वो हवेली से है बट ये जो है ये जैसे नॉर्मली एंट्रेंस है और ऊपर मंदिर है। और आई गेस आज मतलब यहाँ पे मैंने दो तीन अलग नेशनैलिटीज़ के लोग भी देखे, तो ऐसा नहीं होता बाहर रह के कि सिर्फ इंडियंस ही हिंदू मंदिर में आते हैं। मतलब बहुत सारी नेशनैलिटीज़ जिनको शायद हिंदू कल्चर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता, दे जस्ट वॉन्ट टू इंडल्ज एंड सी एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी यहाँ से ये बंद है। द मेन एंट्रेंस जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वो ये है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक कार्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और मतलब मम्मी में ये सब चीज़ देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कहाँ से लाए। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि इंडिया से ये लोग कार्व करके लाते हैं और यहाँ पे ये कंबाइन करते हैं। देखो हम लोग यूएस में एक टेम्पल गए थे, वो भी स्वामी नारायण टेम्पल था, उसका भी एग्जैक्टली ये उसका भी शायद यही सफर था कि इंडिया से कार्व होके आया, कार्व होके लाते हैं यहाँ पे जाके ये ज्वाइन कर देते हैं, फिर ये ऐसा दिखता है। बहुत वेरी नाइस फीलिंग टू बी हियर। आज जो हम लोग वहाँ पे गए थे क्या कहते हैं यूएस वाले स्वामी नारायण मंदिर में, दैट वाज मच न्यूअर और वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो आई थिंक वो तो अभी बन ही रहा था, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है, ये शायद दिल्ली के अक्षरधाम से पुराना है। और ये जो टेम्पल है बाय द वे, ये टेम्पल यूके का सबसे बड़ा टेम्पल है और एक टाइम था आई थिंक अराउंड 2000 ये गिनीज वर्ल्ड में
सबसे बड़ा टेम्पल था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसका रिकॉर्ड था. इट वाज द लार्जेस्ट टेम्पल आउटसाइड इंडिया. और फिर उसके बाद आई थिंक टोरंटो में कोई टेम्पल बन गया, वो बड़ा बन गया. और आई गेस सबसे बड़ा वो जो यूएस वाला हम गए थे, अब वो है क्योंकि इट्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसका नाम नहीं है ज़्यादातर. बट या दिस इज हाउ इट इज. अंदर जा रहे हैं, आई नॉट श्योर अंदर कितना शूटिंग अलाउड है, बट अभी हम हवेली से जा रहे हैं. और जैसे प्रशांत ने बोला, हवेली से सीधा हम मंदिर देखेंगे और उसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव फील हुआ. अभी हमें लग रहा है काश हम दिवाली पे यहाँ पे आ जाते, क्योंकि दिवाली इस बार थोड़ी लोनली हो गई थी. बट या वी हैड सो मच फन. मुझे मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स भी मिले और वो बहुत फन था. और उन्होंने हमें बताया बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता था. यस, द मंदिर इज़ ब्यूटीफुल. अंदर कुछ हमने फोटोज़ वगैरह भी देखी जिसमें ह्यूस्टन में है, लॉस एंजलिस में है, रॉबिन्सविल में है. रॉबिन्सविल जहाँ हम गए थे वहाँ है. That was very very fun. मतलब बहुत अच्छा लगा. I think बहुत मुझे happy happy feel हुआ. So that was good. तो ये रहा मंदिर. लेकिन मंदिर में यहाँ पे मोस्टली कितनी बार किचन होती है, यहाँ पे खिचड़ी और ये काफ़ी फेमस होती है. याद है अपने ने रॉबिन्सविल में खाई थी, मैंने इनफैक्ट दिल्ली में भी खाई है. यहाँ पे क्या सीन है प्रशांत? यहाँ पे इसके साथ नहीं है, हाँ. एक शयोना है वो विच इज राइट अक्रॉस है, राइट अक्रॉस है, वहाँ पे है. तो अपन लोग उधर जाने वाले हैं राइट. भी हम लोग टेम्पल से बाहर आ गए एंड जस्ट अक्रॉस द रोड यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस है. मतलब इट्स अ बिग पार्किंग स्पेस. अगर आप सामान लेके आओ तो बैगेज अगर आप सामान लेके आओ तो बैगेज केबिन भी यहाँ रख सकते हो. एक पार्किंग की भी जगह है, साइकिल पार्किंग की भी जगह है. और ये जो है ये शयोना, यहाँ पे खाना है इनका. यूजुअली यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है मंदिर के अंदर ही, बट इस बार आई गेस उसमें था ना न्यू जर्सी वाले में मंदिर के अंदर ही कैंटीन थी. हाँ, यहाँ पे मंदिर के अंदर कैंटीन है, वहाँ पे मंदिर के अंदर कैंटीन भी थी और वो सब भी मिल रहा था. मतलब पैक्ड फूड, हाँ मुझे याद है. बट यहाँ पे आई थिंक वो सब समय शयोना में मिलता है. तो अभी अपन जाके इसको देखते हैं. दिस इज लाइक नॉट द मंदिर का कुछ स्पेसिफिकली, मंदिर का नहीं, आई थिंक इसकी और ब्रांचेस भी हैं. हाँ, वो हम लोगों ने अपन खाया ना वहाँ किधर और फैमिली में खाया. बहुत ज़्यादा जगह सुना है कि यहाँ की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है. वी गोना बाय दिस, घर जाके हम खाएंगे. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जैसे पालक पनीर, पनीर मसाला, टोफू फ्राइड राइस, बिरयानी राइस. तो ये सब यहाँ पे ढोकला भी है. ये इतना सारा खाना है तो आप इसे पैक करके अपने घर पे भी खा सकते हो, यहाँ पे भी खा सकते हो. आगे भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे चॉकलेट केक्स और ये सब है. और नीचे आई गेस ये सब सामान भी है. तो मतलब सब कुछ बना बनाया आपको डब्बे में मिलेगा और बहुत ही चीप प्राइस पे, मतलब वेरी वेरी चीप. ऑफकोर्स यहाँ फाफड़ा भी है, तो फाफड़ा बहुत सही है. कुछ पराठे हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हो. अगर आपको मिर्ची खरीदनी है एक ऑफिस जाएगा. प्रशांत यू लाइक इट राइट? बहुत सही होती है. ये है ढोकला है, जलेबी है. जलेबी फाफड़ा कॉम्बिनेशन बहुत सही होता है. आगे ये बहुत सारी मिठाई है, फ्रॉम चूरमा लड्डू टू मिक्स बर्फी टू चॉकलेट बर्फी. कुछ चटनियाँ वटनियाँ भी, तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस है. तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी है. तो यहाँ पे साबूदाना वड़ा है, कचौड़ी है, आलू टिक्की है, पंजाबी समोसा है, स्प्रिंग रोल है. इसमें से हमने थोड़े बहुत सामान ले लिया, बट दिस इज़ एट अ फिनोमिनली लो प्राइस. मतलब 0.85 बाय लंडन स्टैंडर्ड, वेरी वेरी चीप. ये सब बहुत सस्ता है. आई डोंट नो हाउ आर दे मैनेजिंग इट, बट द शॉप लुक्स नाइस. हमने थोड़ा बहुत सामान पैक कराया है, ये पैक कराया है, बाकी हम खरीद रहे हैं और जो हम यहाँ बैठ के खाएंगे. तब ये दाबेली खाई बहुत ही ज़बरदस्त था. और ये तो मतलब बेस्ट था. दिस इज साबूदाना वड़ा, मेरे को बहुत पसंद है जेन्युइनली. और ये भी बहुत सही था. दिस इज नॉट इवन 1 pound राइट, आधे पाउंड का था, 60 pence का है. वेरी नाइस. और ये देखो यहाँ पे इतनी सारी नमकीनें हैं भर भर के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो शायद आपको इंडिया में भी एक शॉप पे ना मिले क्योंकि ये सारी गुजराती नमकीनें हैं. आपको इंडिया से आते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे सामान नहीं मिलता, इंडिया से लाना है, तो ये देखो ये इतनी सारी यहाँ पे दाल की शॉप है. मतलब ऑफकोर्स ये शॉप के अंदर ही दाल है. तो बड़े पैकेट से लेकर छोटे पैकेट, जो भी आपको समझ में आएगा आप खरीद सकते हो. और सब कुछ मिलता है, फ्रॉम मसाले टू दाल टू एवरीथिंग एक ही शॉप के अंदर. फ्रॉम चावल टू प्रोसेस्ड फूड टू आटा, एवरीथिंग इज देयर. यू नो इट्स नॉट इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, बट मुझे आपको ये दिखाना है. देखो यहाँ पे छोले है, ये सब है. तो ये प्रिजर्व खाना है, ये फ्रोजन भी नहीं है. तो आप अपने घर पे ले जाके इसे सिर्फ और सिर्फ गर्म करके खा सकते हो. और इसकी बहुत सारी वेराइटी है राइट एंड लेफ्ट. तो इस मंदिर के साथ अगर आप ये सब सामान आपको लेने को मिल रहा हो तो बेस्ट है. ये पूरे आई थिंक यहाँ पे सारा गुजराती इन्फ्लुएंस है ना प्रशांत खाने का. जेमिन के पापड़, जेमिन का खाकरा, ये पूरा ये सब पूरा सेक्शन है. वो बाय द वे ये बहुत सही लगता है मुझे. ये गोलगप्पे होते हैं तो यहाँ पे कोई आपको खिलाएगा नहीं, आपको बस ये घर लेके जाना है, इसमें भरना है और खाना है. ये भी बहुत सही होता है. ये भी मिल रहा है ओ हाँ, इससे गोलगप्पे के साथ इसका ये भी मिल रहा है मसाला. पानी
और यहाँ पे मिठाई की भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो इंडिया की याद आएगा सभी तो नहीं आ रही, मतलब फ्रॉम आलमंड बर्फी टू पिस्ता बर्फी टू काजू पिस्ता रोल टू चॉकलेट बर्फी टू मोहन थाल माई फेवरेट, दिस इज बूंदी लड्डू, दिस इज मोतीचूर लड्डू, तो ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। सो वी आर डन विद दिस, अभी हम लोग अपना बिल करा रहे हैं और फिर घर चलते हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और हमने सोचा था हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन दो हजार सामान भर के ले लिया हमने, बेसिक ग्रोसरी है। अब सामने दिख जाता तो कंट्रोल ही नहीं होता, और हमारे घर के आसपास इंडियन सामान नहीं मिलता, तो अगर वो मिल रहा था और हम कैब से जाने वाले थे, हम सोचा लपेट लेते हैं। उस हिसाब से तो कम लिया है, सबसे कम लिया है, बट हाँ जैसे हम यूजली खरीदते हैं उस हिसाब से हमने कम लिया है, बट ऐसे जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हमने ले लिया है। ठीक है, अभी घर जाके मिलते हैं। घर आके सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो सारा सामान लिया है ना उसको सेट करना, सो मैंने अभी कर लिया है। आप मुझे बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई एम श्योर अंदर आप थोड़ा छुप छुप के कर सकते थे शूट, बट अगर लिखा होता तो मेरा मन नहीं मानता, तो मैं कभी नहीं करती, बट आपने जितना भी देखा आप मुझे ज़रूर बताना आपको कॉमेंट करके कि कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक कर देना, और अगर लाइक नहीं किया है वो तो हमेशा करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। अभी बचा हुआ संडे है, हमें अपने घर के काम निपटाने हैं, आप भी अपना काम करो, टेक केयर।